नमस्कार दर्शकों, विज्ञान और पर्यावरण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, वैश्विक स्तर पर भारत जैव विविधता से परिपूर्ण देश है और ये जैव विविधता हम सभी के लिए एक अनमोल उपहार की तरह है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी जैव विविधता और पर्यावरण से परिपूर्ण है और इसे बचाना हम सभी का कर्तव्य है और इसीलिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे इसी विषय पर और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीतू हरमुख मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम में मैम। धन्यवाद जी। मैम, आज हम बात करने वाले हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। तो हम सभी कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए कि जैव विविधता असल में है क्या? बहुत ही सरल शब्दों में जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवन की विविधता से है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, जीव, जंतु और सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, कवच है, इन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है जी। और पर्यावरण के दृष्टि से जैव विविधता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जी। मैम, जैव विविधता दिवस ये दिन मनाने की शुरुआत कब की गई थी और इसे मनाने का उद्देश्य क्या क्या है और हमें इसे क्यों मनाना चाहिए, इस ये भी प्रश्न हम सभी के मन में उठता है, तो इसका जवाब भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल जी। जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाने के पीछे एक बहुत बड़ा, आपने पृथ्वी शिखर सम्मेलन सुना होगा जिसे रियो कन्वेंशन कहते हैं। उस कन्वेंशन में मुख्य मुद्दा बहुत सारे समझौते हुए पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में, जिसमें एक मुख्य संरक्षण समझौता था जैव विविधता संरक्षण, तो यहीं से उसकी शुरुआत हुई। 29 दिसंबर 1993 को इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण मनाए जाने की मुहर लगाई गई और हर प्रत्येक वर्ष 22 मई 2001 से इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई जी। और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण पर जागरूकता लाना, पर्यावरण संरक्षण के सुझावों पर एक दूसरे से साझा करना जी। और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में इसमें विकास लाना इसका मुख्य उद्देश्य है जी। मैम, ये तो ही उद्देश्यों की बात। अब जैव विविधता के जो क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों को किस आधार पर हम बांटते हैं कि ये जो क्षेत्र हैं वो जैव विविधता के अंतर्गत आएंगे, या हम हॉटस्पॉट क्षेत्र या हॉटस्पॉट एरिया जो होता है ये क्या चीज़ होती है? सही। जब भी आप जैव विविधता, जब हम किसी भी स्थान विशेष पर, आपने पूरे विश्व में भी सुना होगा कि जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है, तो इसका निर्धारण किस तरह से होता है? इसका निर्धारण हम दो, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक संस्थान है जो जैव विविधता के परिपूर्ण क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए दो सख्त मापदंड इसके निर्धारित किए गए हैं कि कोई क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र है उसका निर्धारण कैसे होगा। तो सबसे पहला जो सख्त मापदंड है उसमें ये कि किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में जहाँ पर सबसे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लगभग 1500 पौध प्रजातियाँ वहाँ पाई जाती हों, और दूसरा जो सख्त मापदंड है उस पर भौगोलिक परिक्षेत्र में कंटिन्यूसली लगातार जैव विविधता का हास हो रहा हो, कम से कम वहाँ की जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं 30% उसमें लॉसेस देखने को मिल रहा हो, तो ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाता है और उसे जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र की दृष्टि में, परिपूर्ण क्षेत्र के कैटेगरी में शामिल किया जाता है जी। मैम, और वो हॉटस्पॉट एरिया जो है वो हॉटस्पॉट एरिया भी एरिया का निर्धारण भी जैव विविधता से समृद्ध परिपूर्ण क्षेत्र को के आधार पे हॉटस्पॉट का निर्धारण किया जाता है। जैसे विश्व में, पूरे विश्व में 36 जो हॉटस्पॉट निर्धारित किए गए हैं, चिन्हांकित हैं, जिनमें से 25
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है, वहीं विश्व के स्तर पे भारत जो है 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर के रूप में जाना जाता है, जी और जहाँ पर सबसे ज़्यादा समृद्ध मात्रा में जैव विविधता देखने को मिलती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूरे विश्व स्तर पे भारत में अभी तक जो रिकॉर्डेड स्पीशीज़ हैं, जातियां हैं पौध प्रजाति की, 46,000 से ज़्यादा पौध प्रजाति और 96,000 से ज़्यादा जो है जंतु प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है, उनकी खोज की जा चुकी है जैव विविधता के क्षेत्र में जी। तो इस तरह से जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, उन स्थानों को चिन्हांकित करते हैं और उसके आधार पे हॉटस्पॉट का निर्धारण किया जाता है। जी मैम, अभी आपने बताया कि किस तरीके से जो क्षेत्र हैं उनको हम हॉटस्पॉट एरिया या जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं वो हम चिन्हांकित करते हैं, और अगर ऐसे क्षेत्र में कुछ समुदाय या कुछ लोग आ जाएं तो उनको हम उनको किस तरीके से इस परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या उनको भी कोई इससे प्रभाव उनको पड़ता है? बिल्कुल, जब कभी आप किसी भी जैव विविधता संपूर्ण क्षेत्र में, जैव विविधता परिपूर्ण क्षेत्र में कोई समुदाय विशेष का वहाँ पर रहवास होता है, तो हम जो समुदाय विशेष के द्वारा की जाने वाली जो गतिविधियाँ हैं, जैसे ह्यूमन गतिविधियाँ, जिसको मानव गतिविधियाँ आप कह सकते हो, अंधाधुंध प्राकृतिक संपदाओं का विदोहन करना, जंगलों की कटाई करना या पेड़ पौधों की कटाई करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक ना होना, ये सब ऐसे मुख्य कारण हैं जो जैव विविधता के हाशो का मुख्य कारण बनते हैं, और उसका सीधा प्रभाव आज हमें प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से उन समुदायों को जूझना पड़ता है। जी मैम, जैव विविधता, इसे हम इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और डाइवर्सिटी का अर्थ ही प्रकार होता है, विभिन्न होता है, तो क्या इसमें भी हमें प्रकार देखने को मिलते हैं? जी हाँ बिल्कुल, जैव विविधता को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला जो है उसको हम कहते हैं स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और तीसरा है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, जिसको हम जाति जैव विविधता कहते हैं, इसमें किन्हीं पर्टिकुलर स्थान पर, किसी विशेष स्थान पर पाई जाने वाली दो प्रजातियों के बीच में जो विभिन्नता होती है उसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे टुंड्रा फॉरेस्ट आप ले लीजिए, फॉरेस्ट एरिया में पाई जाने वाली फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी स्पीशीज की, प्रजातियों की। तो इस तरह से उसको हम जातीय प्रजातियाँ या प्रजाति जैव विविधता कहेंगे। दूसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी को बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देने के लिए बताना चाहूँगी कि जीन में जो पाई जाने वाली विभिन्नता के आधार पर जो जैव विविधता का निर्धारण किया जाता है उसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जैसे रोज प्लांट है, रोज एक प्लांट है और उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, किसके आधार पे? जीन के आधार पे। तो इस तरह से जो डाइवर्सिटी है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे डॉग है ना, डॉग के बहुत सारे ब्रीड्स हैं, आप इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स के रूप में रख सकते हैं। वैसे ही इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी से मतलब है हमारे आसपास किसी पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले डिफरेंट जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, जैसे वन पारिस्थितिक तंत्र, तो उसमें वनों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नता के आधार पर आधारित जैव विविधता है उसको हम वन आधारित जैव विविधता कहेंगे। वैसे ही ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड आप समझ पा रहे होंगे, ग्रासलैंड में पाई जाने वाली जो जैव विविधता होगी वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगी, जिसमें घास फूस, उसमें रहने वाले टिड्डे, कीट पतंगे, वो उन सब की विविधता। तो इस तरह से जैव विविधता को तीन मुख्य कैटेगरी में विभाजित किया गया है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जी मैम, ये तो उनके प्रकार हो गए। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि भारत में हम सभी जानते हैं
बहुत सारे हमें जैव विविधता देखने को मिलते हैं, प्रकार भी देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, या हम किस के आधार पर कह सकते हैं कि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या भारत में कितनी सारी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के कगार पर है, या कितनों का हम संरक्षण कर पाए हैं? जी, जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी को। जैसे हम अभी प्रेजेंट करेंट वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार से जैव विविधता को लेकर वैश्विक स्तर पे भी प्रयास किए जा रहे हैं संरक्षण के, तो सबसे पहले IUCN का नाम आप सुनते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जी और दूसरी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो मॉनिटरिंग करती है कि जैव विविधता का कितना हास हो रहा है, जैव विविधता का नुकसान किस परिपेक्ष में हो रहा है। तो किसी स्थान, पर्टिकुलर स्थान पे वनस्पति प्रजातियों का विलुप्तीकरण होना, जो जीव जंतु प्रजातियों का विलुप्तीकरण होना, इसको IUCN कैटेगराइज करती है। जी ठीक है, और भारत के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तक 45,000 से 47,000 से ज़्यादा वनस्पतियों की खोज जैव विविधता के संदर्भ में की जा चुकी है। जी वहीं 96,000 के उसमें जीव जंतु, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, उसकी खोज हो चुकी है। तो इस जी तरह से जैव विविधता से परिपूर्ण देश की कैटेगरी में भारत को रखा गया है। जी और अभी जैसे मैंने आपको बोला कि 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर हॉटस्पॉट के रूप में भारत को जाना जाता है। जी लगभग अभी IUCN कैटेगरी के अनुसार 800 वनस्पतियों की प्रजातियां, 200 जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे हैं, ऐसा उन्होंने असेसमेंट किया है। जी तो आपने सुना होगा कि अश्वगंधा, बाघ और ये सब जो स्पीशीज़ हैं वनस्पतियों में, आपने जिंगको बाइलोबा का नाम सुना होगा, जो एक जी जिम्नोस्पर्म है, एकमात्र लिविंग जिम्नोस्पर्म है जो विलुप्ति के कगार पे है। वैसे ही आप टाइगर, बाघ संरक्षण, लाल पांडा, आपने इन सब का नाम सुना होगा। जी तो इन सब को कैटेगराइज किया गया है कि ये विलुप्ति के कगार पे हैं, और इनके संरक्षण और इनके संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, देश भारत में भी बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए गए हैं जी जो जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन के प्रयास कर रहे हैं, और जी लगातार इसमें सफलता भी हमें मिल रही है। जी मैम, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, छत्तीसगढ़ी माटी की खुशबू, गांव शहर की यात्रा, गीत संगीत नृत्य की झंकार, छत्तीसगढ़ में हो रही विकास की बातें, मनोरंजन की लहरें, साहित्य का रसास्वादन, हमारी आपकी चौपाल की बातें, घर आंगन की बातें, सामाजिक सरोकार, विकास के पदचाप, राष्ट्र निर्माण के पथ पर। अब टाटा प्ले में भी देखा दूरदर्शन छत्तीसगढ़ ला, चैनल नंबर 1174 मा। ब्रेक के बाद आइए बढ़ते हैं चर्चा में आगे। तो मैम, अभी तक हमने जाना कि क्षेत्र विशेष ये सारी चीज़ों के बारे में बातें हुई। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि बायोडाइवर्सिटी मनाने का जो उद्देश्य है उसके बारे में अभी आपने बताया था, तो उस उद्देश्य को हम अब तक कहाँ तक पूरा कर पाए हैं या कहाँ तक कामयाब हुए हैं उस उद्देश्य को पूरा करने में? बिल्कुल, जब से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई तब से लेकर आज तक रियो जो सन कन्वेंशन हुआ, रियो सम्मेलन हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जी वहाँ से आज तक बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ
संचालित हो रही हैं जो जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर प्रयास की दिशा में लगातार कार्य कर रही हैं। जैसे आपने सुना होगा नगोया प्रोटोकॉल और वैसे ही कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पार्ट है जिसमें बहुत सारे विश्व स्तर पर समझौते हुए हैं। जिसमें नगोया प्रोटोकॉल में ये निर्धारण किया गया है, उसमें टारगेट्स फिक्स किए गए हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए कि जैव विविधता किसी पर्टिकुलर स्थान की जैव विविधता और उसका सतत विदोहन और उसकी न्याय संगत साझेदारी को नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। वहीं दूसरा है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जैव संसाधन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे गोल, बहुत सारे टारगेट्स भी निर्धारित किए गए हैं जिनमें 2030 एक टारगेट है, वहीं 2050 का टारगेट रखा, 2050 का गोल निर्धारण किया गया है और विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थान हैं और स्वयं वैश्विक स्तर पे जो विश्व शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी, इन सब के माध्यम से आपस में एकत्रित होकर इस महत्वपूर्ण विषय को चर्चा में चर्चा में लाया जा रहा है और साथ ही साथ जैव विविधता संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत हद तक हमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। जी मैम, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये शब्द हमें कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। जी, तो ये शब्द मतलब इसका अर्थ क्या है, इसे क्यों बनाया जाता है? हेरिटेज का मतलब होता है, हिंदी में हम कहेंगे तो हेरिटेज मतलब धरोहर। जी, किसी भी, तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट से मतलब है ऐसा समृद्ध परिपूर्ण, जैव विविधता से समृद्ध परिपूर्ण क्षेत्र और वहाँ की कोई खासियत है, स्पेसिफिसिटी है, तो उसके आधार पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का डिक्लेरेशन हम करते हैं। वहाँ पे जैव सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है के पॉइंट ऑफ से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी, जैसे आपने अमरकंटक वैली का नाम सुना होगा, जी, तो वो एक हेरिटेज साइट है। वैसे ही अभी आप सुन रहे होंगे मटकू द्वीप को कि हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया जाए। जी, तो ऐसे बहुत सारे भारत में अभी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एनबीए का नाम आपने सुना होगा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी में अथॉरिटी ने पूरे इंडिया में अभी 25 हेरिटेज, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को चिन्हांकित किया है। जी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि पूरे भारत में 25 हेरिटेज साइट चिन्हांकित हुए हैं। मैम, ये तो हुई, अभी आपने भारत के बारे में बताया कि 25 हेरिटेज साइट जो है चिन्हांकित हुए, और छत्तीसगढ़ की बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या कोई ऐसे हेरिटेज साइट आते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ में जो जैव विविधता है वो बाकी राज्यों से किस तरीके से अलग है, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति परंपरा है वो प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ जैव विविधता से संपूर्ण राज्य है और ये जैव विविधता के क्षेत्र में पूरे भारत में तीसरा मुख्य स्थान रखता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर 44% वन की उपलब्धता है और ये इन 44% वनों में बहुत ज़्यादा जैव विविधता समृद्धता देखने को मिलती है। इसीलिए इसी कारण से इस राज्य को हर्बल राज्य का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ के जो साल वन हैं, इन साल वनों की अधिकता से यहाँ पर जैव विविधता परिपूर्ण है, बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। अभी तक जो शोध चल रहे हैं, बहुत सारे कार्य चल रहे हैं जैव विविधता से संबंधित राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में जी। तो लगभग 1500 से ज़्यादा पौध प्रजातियों की खोज हो चुकी है और वहीं 1200 से 1300 के करीब जंतु, जीव जंतु की खोज हो चुकी है। तो इस तरह से जो जैव विविधता के सख्त मापदंड हैं, उन मापदंडों को पूरा करने में छत्तीसगढ़ राज्य पूरा, उन मापदंडों पे वो खरा उतरता है। तो जैव विविधता समृद्ध
स्थान रखने में छत्तीसगढ़ एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हेरिटेज साइट हैं, यहाँ के जो पवित्र उपवन हैं उनको अभी हेरिटेज साइट बनाए जाने की दिशा में काफ़ी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी हमें छत्तीसगढ़ राज्य में भी बहुत सारे हेरिटेज साइट देखने को मिलेंगे। जैसे आपने सरगुजा में फॉसिल पार्क, मराइन फॉसिल पार्क सुना होगा, वो भी जैव, और बस्तर का जो एरिया है, बस्तर में भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनको हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने की दिशा में कोशिश चल रही है। जी मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगा दी जाती है वनोपज इकट्ठा करने के लिए, तो ये करना सही है या नहीं, या फिर वनोपज को ऐसे आग लगा कर इकट्ठा करना ये सही है या नहीं? आग लगाना बिल्कुल गलत है। वनोपज को इकट्ठा करने के लिए आग लगाया जाता है, जैसे महुआ कलेक्शन के लिए करते हैं, महुआ के पेड़ के नीचे आग लगाते हैं। आग लगाने के कितने सारे नुकसान हो सकते हैं ये वो अनभिज्ञ हैं। पहला ये, यदि वो आग कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाएगा तो पूरे जंगल का विनाश हो सकता है। दूसरा, उसके नीचे, उस पर्टिकुलर पेड़ के नीचे पाई जाने वाली जो जैव विविधता है वो नष्ट हो सकती है। छोटे जो औषधि पौधे हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आग लगाकर किसी भी वनोपज का संग्रहण करना उचित नहीं है। जी तो मैम, इस जैव विविधता को बचाने के लिए बहुत सारे लोग अपने तरफ से अलग अलग प्रयास करते हैं, लेकिन हम आम नागरिक किस तरीके से जैव विविधता को बचा सकते हैं, जो हमारे आसपास जो वो चीज़ें उपलब्ध हैं, ये इससे हम कैसे उनका संरक्षण कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन क्या है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना, दूसरा कि वनों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है उसे रोकना, तीसरा जो क्लाइमेट चेंज जिसको हम कह रहे हैं कि वैश्विक तापमान का बढ़ना, उस वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में विचार करना, जल संरक्षण करना, जीव जंतुओं के संरक्षण और उनके संवर्धन के प्रयास करना, वनों के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास करना, विलुप्त होती हुई प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास करना, इन सब बिंदुओं पर हमें जागरूक होना चाहिए पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण की दिशा में प्रयास करने के लिए। जी मैम, जैव विविधता संरक्षण ये हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है? मतलब हम मनुष्य अपने संसाधनों का उपयोग इस तरीके से कर रहे हैं कि संसाधन क्या है, एक समय के बाद शायद ख़त्म हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो इसका संरक्षण करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए? बहुत सही। जैसा कि मैंने अभी जैव विविधता संरक्षण के मुख्य बिंदुओं में सबसे पहला मैंने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बात करी जी। तो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास आज तो उपलब्ध हैं, यदि हम उसका सही तरीके से विदोहन नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से सतत उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसकी निरंतरता नहीं बनी रहेगी जी। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हम किसी पौध प्रजाति का यदि उपयोग है तो हम बिना उसके आगे उसकी निरंतरता को बनाए रखने के दिशा में बिना प्रयास किए हम उसका अंधाधुंध विदोहन करने लगते हैं जी। और जबकि हमको सोचना चाहिए कि उसके बीज का संरक्षण करें, उसके उस पर्टिकुलर पौधे का अंतःस्थलीय संरक्षण करें, बाह्य स्थलीय, दो मेन संरक्षण के पॉइंट होते हैं, प्रयास होते हैं, अंतःस्थलीय संरक्षण और बाह्य स्थलीय संरक्षण। अंतःस्थलीय संरक्षण में वो पौध प्रजाति जिस स्थान पर पाई जाती है वहीं आसपास उसके लिए संरक्षित क्षेत्र बनाया जाए, और दूसरा बाह्य स्थली, यदि वो प्रजाति आपको कहीं भी आप जा रहे हैं या कहीं भी आपको कहीं से मिलती है कोई ऐसी प्रजाति जो ख़त्म हो रही है जिसको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको उसके वास स्थान से भी लाकर बाहर नर्सरी के माध्यम से आप उसको संरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं। सिर्फ ये वनस्पति के क्षेत्र में हुआ, वैसे ही हम एनिमल्स प्रोटेक्शन के क्षेत्र में, क्योंकि वो भी हमारी जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जी। क्योंकि जीव जंतु और वनस्पति दोनों का संयोजन जैव विविधता के संतुलन के लिए आवश्यक है जी। तो मैम, अंत में आप हमारे दर्शकों को जैव विविधता के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जैव विविधता संरक्षण के संबंध में मैं आप सभी को मेरा संदेश ये है
कि आज पृथ्वी पर जीवन की अस्तित्व के लिए जैव विविधता का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि जैव विविधता नहीं होगा तो हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हम सभी क्यों ना संकल्पित हों एक एक गतिविधि के लिए। जैसे मैंने अपने लिए संकल्प लिया है कि मुझे हम जहाँ भी जाना है प्लास्टिक जी को अवॉइड करना है, प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट बनाने में अपना योगदान देना है। वैसे ही हर समाज के हर व्यक्ति को एक संकल्प के साथ अपने जीवन अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए कि मैं पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों जो जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि उसको संरक्षित करने के लिए मैं कौन सा संकल्प ले सकता हूँ। जैसे प्लास्टिक फ्री करना, ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट रखना, अपने आसपास के क्षेत्रों को प्रदूषण रहित करना, जो हमारे जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों को जो हम गंदगी फैलाते हैं उनसे दूर रखना। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, ऐसे बहुत सारे संकल्प हम अपने आप से कर सकते हैं, वचन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप यहाँ आई और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे साथ इतनी अच्छी बातचीत करी इस विषय पर। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा होगा कि जैव विविधता और पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसके बिना हमारी ज़िंदगी कहीं अधूरी सी है। तो कोशिश करें कि अपने पर्यावरण से प्यार करें और जैव विविधता को बचाने में अपना योगदान ज़रूर करें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगली बार होगी आपसे फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।